दोस्तों, जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगे। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं तो एक बार इस वीडियो को पूरा तो जरूर देखिए, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। इसलिए महादेव के भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले अतुल की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। अतुल महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज एक घंटे वहां बैठ महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इस कारण 6 साल पहले ही अतुल एक सुंदर बालक के पिता बने। अतुल की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, अतुल का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुँचे, वहाँ गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वो तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुँचे। अतुल का बेटा उस जंगल में पहुँच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर जहरीला सांप बैठा था, जिसने अतुल के बेटे को डस लिया। सभी बच्चों ने मिलकर अतुल के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर अतुल की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वह उनका एक लौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर जहर की वजह से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ दो ही व्यक्ति थे। अतुल ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्य ने अतुल के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने अतुल को कहा कि बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतुल और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी अतुल को महादेव पर बहुत विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। अतुल ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो मेरे और मेरी पत्नी के इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर अतुल जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जाप करने लगा। दोस्तों, अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस तेज हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे अतुल के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही अतुल ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा तो वो गहरी आवाज ही ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। अतुल के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। अपने बेटे को जिंदा देख अतुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो और इस घटना के लिए आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।